हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। तो यहाँ आपको भर्तियों की जानकारी दी जाएगी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी आई है जिसमें पदों की संख्या 4016 है, तो पद भी काफ़ी है और एज इसमें 18 से 40 है और इसकी लास्ट डेट 28 जून, तो ज़्यादा समय नहीं है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आपको इसके लिए फीस भी ज़्यादा नहीं देनी है। सभी के लिए SC ST OBC जनरल सभी के लिए 25 रुपये फीस है, सिर्फ आपको 25 रुपये ही पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि जनरल के लिए अलग हो, OBC के लिए अलग हो, सभी के लिए एक ही फीस है, 25 रुपये ही आपको देना है। एलिजिबिलिटीज में सिविल में डिप्लोमा मांगा गया है और यूपी टेट का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अच्छे से उसको रीड कर लीजिएगा तो आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा, समय ज़्यादा नहीं है। और SBI बैंक में भी वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा इसमें होनी नहीं है, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें पदों की संख्या है 150 और एज SBI में है 23 से 32 साल और इसकी लास्ट डेट है 27 जून, जो SBI में इसकी 27 जून है और PWD की 28 जून है। तो आप यदि इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। और इसमें जो योग्यता है, आपको इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए SBI में। डिप्लोमा मांगा गया है और ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें, ये आपके लिए अच्छा मौका है। PW में जो PWD की वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या काफ़ी है, लेकिन SBI में पद ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें, आपके लिए सही है तो अप्लाई जरूर करें। और जो SBI है इसमें फॉर्म फीस जनरल OBC EWS इसके लिए आपको 750 रुपये देने हैं और जो अदर कैटेगरी है उसके लिए कोई फीस नहीं है। जनरल OBC और EWS को फीस देनी है SBI, और अदर के लिए कोई फीस नहीं है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर एक बार रीड जरूर करें। धन्यवाद।